ये फ्लाइंग लेमूर है। लेमूर के अंदर देखो कि जो स्किन के फोल्ड्स हैं ये वाले, जो इसको फ्लाइट में ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं, ये पटेजियम, ये अटैच्ड है वाया लिम्ब्स, बाजू और टांग के थ्रू और टेल के थ्रू, तीनों के साथ कनेक्टेड है ये सारा का सारा। नेक्स्ट आ दी कर्सोरियल अडेप्टेशंस। कर्सोरियल का मतलब होता है कि हम जो लैंड पे फास्ट मूवमेंट्स देखते हैं, रनिंग एक तरीके से होगी, रनिंग मूवमेंट्स, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स होगी जो बर्ड्स उड़ नहीं सकती, कैंगरूस, वुल्फ्स, रैबिट्स, डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, एसेस, जेब्रा, जिराफ, कैमल्स, तो ये बेसिकली भागने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको लैंड पे तेज़ भागना है उनको कर्सोरियल अडेप्टेशन बोलते हैं। तो इसमें बॉडी की फॉर्म कैसी होनी चाहिए, अब स्पीड पे भागना है तो इस तरीके एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन भी होगी, ताकि अगर तेज़ भागना है तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, तो स्ट्रीमलाइन फॉर्म जो है वो मॉडिफाइड होगी। तो स्ट्रीमलाइन जैसे आप चीता की देख लो, स्ट्रीमलाइन लंबाई में बॉडी होगी, जब एक्शन में होगा तो आपको लगेगा कि बहुत लंबाई में बॉडी है, ठीक है। उसी तरीके से हॉर्स की बॉडी हो गई, उसका हेड और नेक किस तरीके से एक्सटेंडेड है और कान पीछे की तरफ होते हैं, ताकि जैसे तीर निकलता है एक कमान में से, तो बिल्कुल उस तरीके से बॉडी शेप आएगी। देन सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन जो आती है भागने के लिए वो लिम्ब्स में आएगी, क्योंकि इन्हीं के थ्रू भागना है। तो जो लिम्ब्स होती हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की तरह काम करेंगी, ठीक है, सिर्फ लोकोमोटरी ऑर्गन, भागने का ही काम मेन करना है, किसी चीज़ को पकड़ना या फीड करने में ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगी। उसके बाद जो लिम्ब्स होंगी, क्योंकि स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए अब जैसे हॉर्स है तो उसकी लिम्ब्स जो होंगी वो बहुत लंबी होंगी, इलोंगेशन होगी उसकी, जो सेगमेंट्स जैसे टीबिया अटैचर्स होगी वो बहुत लंबी होंगी। अपना हाथ जो होगा वो फोर आर्म का, जैसे हमारा हाथ है तो जैसे हॉर्स है तो उसका हाथ जो होगा फोर आर्म का, और जो फुट होगा उसका, तो वो बहुत इलोंगेटेड होंगे, डिस्टल मतलब ये जो एक्सट्रीम वाले पार्ट्स होते हैं। मसल्स जो होंगे वो ज़्यादा प्रॉक्सिमल, जैसे हमारे थाई में मसल्स, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि एनर्जी वहीं से जनरेट होनी है भागने के लिए। टेंडन्स जो होंगे फोर आर्म के और हैंड के और लोअर लेग और फुट के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, स्लेंडर होंगे, पतले होंगे एक तो, ठीक है, और पतली होंगी टांगे, लॉन्ग स्लेंडर लिम्ब्स, ताकि मसल्स पावरफुल होने चाहिए, ताकि स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, स्ट्रेंथ के लिए हमेशा मसल्स पावरफुल होगा और स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि पेंडुलम होता है क्लॉक का, तो स्विंग करेगा, जितनी ज़्यादा दूर जाएगा, जितनी उसकी हम लंबी लेंथ को बढ़ाएंगे और वो स्विंग भी तेज़ करता है, उसी तरीके से है। उसके बाद जो लिम्ब्स होंगी वो या तो डिजिटी ग्रेड होंगी या अंगुली ग्रेड, मतलब कि या तो इवन टोड होंगे जैसे हॉर्स हो गया, या तो ऑड टोड हो गया, सिंगल टोड हो गया। अब जैसे बर्ड है, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ये तो डिजिट्स पे चलते हैं, ऐसे क्लॉज पे डिजिट्स पे चलेंगे, ठीक है। इनका जो रिस्ट होती है या पाम होता है, एंकल होता है, वो रेज रहेगा, वो ग्राउंड से ऊपर को रहता है, ये डिजिट्स पे चलते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटी ग्रेड पे चलना, डिजिट्स पे चलना मतलब डिजिटी ग्रेड, ठीक है। तो इन डॉग्स में देखो कि पैड्स लगे होते हैं नीचे, डिजिट्स के नीचे, ताकि वो अगर कोई शॉक होता है नीचे तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक कर सकते हैं। तो हॉर्सेज होते हैं जैसे कि, वो टिप्स पे चलते हैं, टिप मतलब ऐसे करके, ठीक है, टिप्स ऑफ द डिजिट्स पे, वो डिजिट्स पे चल रहे थे, ये टिप पे चलते हैं, तो जो टिप पे चलते हैं और उनके पास हूफ्स होती हैं, तो इसको अंगुली ग्रेड बोलते हैं। डिजिट्स पे चलने को डिजिटी ग्रेड, डॉग का एग्जांपल ले लो और हॉर्स का एग्जांपल अंगुली ग्रेड, जो टिप्स पे चलेंगे। कैमल्स में क्या होता है कि इसमें डिजिटी ग्रेड भी, डिजिटी ग्रेड होगा कैमल में, क्योंकि कैमल ने कहाँ चलना है, उसने मिट्टी पे चलना है, ठीक है। तो ये आपको फुट पोस्चर दिखा रखे हैं, ये देखो, ये प्लांटी ग्रेड होता है जैसे कि हम चलते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा डिजिटी ग्रेड हाइनाज में, और ये होता है अंगुली ग्रेड, ये देखो टिप पे चलना, ये डिजिट्स पे चलना, ये टिप ऑफ डिजिट्स पे चलना। तो रनिंग के लिए जो डिजिटी ग्रेड और अंगुली ग्रेड है वो रनिंग बहुत ईजियर करते हैं, और क्योंकि लेंथ बहुत ईजीली बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या मॉडिफिकेशन हुई है, डिजिट्स का लॉस हुआ है, अब क्योंकि रिस्ट एलिवेट हुई है, हील जो है ऊपर को गई है, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ डिजिट्स में रिडक्शन आई है, ज़्यादा डिजिट्स नहीं चाहिए होते भागने के लिए। तो जैसे जो एनिमल्स जो है वो हार्ड ग्राउंड पे अगर भागते हैं, उनमें डिजिट्स हमेशा कम होंगे एज़ कम्पेयर टू जो सॉइल में जाते हैं, तो लॉस ऑफ डिजिट्स की वजह से फीट कम्पैक्ट हो जाता है और रन कर ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स फिर वो फ्यू हेल्प डैमेज करते हैं भागने में। अल्ना और फिबुला की रिडक्शन हुई है, अल्ना फोरआर्म का पार्ट है और फिबुला लोअर लेग का पार्ट है, तो ये रिड्यूस हो जाती हैं, बाकी रेडियस टीबिया जो हैं वो डेवलप्ड होती हैं, तो ताकि लिम्ब स्ट्रॉन्गर हो सकें।
ठीक है, यूनिवर्सल मूवमेंट का लॉस हुआ है, मतलब मूवमेंट और एट द रिस्ट, और जैसे हम अपनी एंकल और रिस्ट को मोड़ सकते हैं इस तरीके से, एल्बो को मूव कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड होती है एक ही प्लेस के लिए, हम लोग मूव कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक और हेड की क्या मॉडिफिकेशन है, जो कर्सोरियल फॉर्म्स हैं जैसे कि हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, लॉन्ग नेक, हेड भी लॉन्ग होगा ताकि ये ग्राउंड पे भी नीचे जा सके, खाना ले सके, पानी के अंदर भी अपना मुंह डाल के जो है वो ले सकें वाटर। फिर नर्वस सिस्टम में क्या डेवलप्ड है, मेंटल डेवलपमेंट में, तो बेसिकली जो एनिमल स्पीड पे डिपेंड करते हैं तो उनको यंग वंस को भी अपना जो है देखना पड़ता है, क्योंकि अगर इनको बचना होता है तो ये सेफ्टी के लिए इनके पास प्रोटेक्शन क्या है, ये भाग सकते हैं प्रेडेटर से, तो ऑब्वियसली फिर पेरेंटल केयर इनको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो यंग वंस हैं वो भाग नहीं सकते इतनी तेज़, तो वो हेल्पलेस होते हैं। तो कार्निवोरस रोडेंट्स जो हैं वो अपने यंग वंस को छुपा के रखते हैं जब तक वो खुद नहीं चल सकते। कैंगरू आपने सुना है कि वो अपनी यंग को अपने पाउच में कैरी करके रखता है। जो डियर के न्यूबॉर्न्स होते हैं, हॉर्सेस के, कैमल्स के होते हैं, उनके पास जो है लॉन्ग लेग्स होती हैं और वो इतना स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होता है कि वो खुद को देख सकता है और वो हर्ड को कंपनी करता है बीच में छुप के थोड़ा सा। तो बेसिकली मेंटल अलर्टनेस होती है, और डॉग्स में देखा गया मेंटल अलर्टनेस जो है ओल्डर डॉग की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और लेकिन एडल्ट स्टेज में ज़्यादा इतनी नहीं होती है, ओल्डर में ज़्यादा होती है। देन बायपीडेलिटी, मतलब बायपीडेलिज्म क्या होता है कि टू फुटेड मोड ऑफ, जैसे हमारा है, इट इज़ एन अडेप्टेशन फॉर स्पीड, तो जैसे लिजर्ड्स के अंदर, कुछ लिजर्ड्स में, सारी लिजर्ड्स के अंदर नहीं होता, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं वो दो पे भागती हैं, जैसे ईमू वगैरह हो गई और मैमल्स हो गए, कैंगरू, ये बायपीडलिज्म शो करते हैं। तो बायपीडल कर्सोरियल फॉर्म्स इनमें भागने के लिए, जैसे ऑस्ट्रिच हो गई, ईमू हो गई, इनमें लार्ज पावरफुल हाइंड लिम्ब्स जो होती हैं वो रनिंग के लिए मॉडिफाइड होती हैं, और फोर लिम्ब्स जो होती हैं अनमॉडिफाइड होती हैं, वो सिर्फ रेस्टिंग स्टेज पे रहती हैं ग्रैस्प करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इनके पास, जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह के पास डेवलप टेल होती है बैलेंस करने के लिए, तो प्रैक्टिकली टेल लेस फ्लाइटलेस बर्ड्स मेंटेन बैलेंस विद हेड एंड नेक। तो जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं जिनमें ना टेल होती है ना फ्लाइट के लिए फेदर्स होते हैं, तो उनका बैलेंस जो है वो हेड और नेक मेंटेन करके रखता है। तो बायपीडल मैमल्स हैव ए शॉर्ट नेक।